नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र परबत सर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ब्लॉक परबत सर ने शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्य शासन सचिव राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर नागौर के नाम परबत सर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरकार की नीतियों का पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मुंड को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर परबत सर शहर अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह ने बताया कि कोविड-19 के दौरान विभिन्न राज्यों, शहरों एवं गाँवों की स्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, तथा सभी को एक समान मानते हुए नियम लागू करने में लाखों निजी विद्यालय प्रबंधकों एवं निजी शिक्षकों के भूखमरी के मरने की नौबत आ गई है, तथा सरकार की निजी विद्यालयों के प्रति शोषणात्मक रवैये का पुरजोर विरोध किया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष राजेश कसवान ने बताया कि इस मुहिम को जिला स्तर से राज्य स्तर तक ले जाया जाएगा। वह हमारी मांगे नहीं मानी तो आगामी चुनाव में सरकार को परिणाम मिल जाएगा। इस अवसर पर गजेंद्र सिंह, डॉक्टर यादव, रोहित कुमार शर्मा, महेंद्र कुर्डिया, कृष्णाराम डूडी आदि ने भी अपना रोष प्रकट किया व सरकार की भर्त्सना की। एसोसिएशन द्वारा सरकार के समक्ष निम्न मांगे रखी गई, जिन 13 निजी विद्यालयों के अध्यापक व संचालकों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की है, उन्हें मुआवजे के रूप में कम से कम 20-20 लाख रुपये दिए जाए। हमारे स्कूलें 7 माह से बंद है, लोन पर लगने वाले ब्याज में राहत दी जाए, स्कूलें बंद रहने तक EMI टाली जाए, निजी विद्यालय संचालकों व अध्यापकों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए, बसों की फिटनेस परमिट बीमा जो हमने करवा रखा था उसकी समय सीमा लॉकडाउन में जब तक थी उतना समय स्कूलों को खोलने के बाद बढ़ाया जाए, पिछले सत्र की बकाया RTE की राशि तुरंत विद्यालयों के खातों में भुगतान की जाए। सब खुल चुका है तो स्कूलें क्यों नहीं? गाइडलाइन के अनुसार खुलने पर स्कूल बच्चों व अभिभावकों को जागरूक कर निजी विद्यालय कोरोना की लड़ाई में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पाठ्यक्रम को निश्चित किया जाए तथा केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 16 अक्टूबर से नियमित विद्यालय परिवहन सहित खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। इस अवसर पर सचिव छोटूनाथ पंवार, कोषाध्यक्ष ब्रजराज किशोर पारिक, संग्राम सिंह बागोट, प्रकाश राम विद्या, नवनील गोड, विजेंद्र सिंह चेनाराम, जितेंद्र सिंह ढूंढिया, कैलाश वैष्णव, आशीष नंदवान, संजय कुमार दवे, रोहित वैष्णव, गोपाल सिंह रूनिजा, शुभम पारिक, धनराज पारिक, प्रवीण ओझा, मांगीलाल शर्मा, चेनाराम कुराड़ा, छोटू राम सहित 100 से अधिक निजी शिक्षण संस्थानों के संचालक व अध्यापक उपस्थित थे। मंच संचालन श्रवण कुमार वैष्णव ने किया। परबत सर से जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट।